हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आफ्टर 40 इयर्स के बाद हमारी जो हड्डियां रहती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब 40 ईयर की एज होती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी वीक हो जाता है इस एज फैक्टर में, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ पोरस होने लगती हैं, हड्डियों में जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, जिसके कारण हड्डियों में दर्द होता है। इवन कई बार हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर नहीं होता, हम प्रॉपर धूप में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता। इसके अलावा हम अपनी डाइट में भी कैल्शियम कम रखते हैं कई बार, जिसके कारण कैल्शियम की कमी होती है। तो ये दोनों फैक्टर्स के कारण ऑल ओवर हमारी जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर होने लगती हैं और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके कारण हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियाँ पोरस होने लगती हैं, भुरभुरी होती हैं, उनमें छेद होने लगते हैं, जिसके कारण हड्डियों में फ्रैक्चर आते हैं। इसके अलावा आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, यानी हड्डियों में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा, जिसके कारण हड्डियों में कई जगह पर बल्जिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि जनरली कैल्शियम डेफिशियंसी से होता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किन किन कंडीशन में हमारे शरीर में किस किस एज फैक्टर में कैल्शियम की नीड होती है और कब कब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला एज फैक्टर होता है ग्रोइंग चिल्ड्रंस में, जो बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, उनमें जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड उस समय पर बॉडी के लिए कैल्शियम की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, इवन उनके शरीर में अगर प्रॉपर वो धूप में नहीं बैठते हैं, यानी विटामिन डी की कमी रहती है, तो जिसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेंस रहती हैं उनमें कैल्शियम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो डाइट लेती हैं उसमें प्रॉपर से कैल्शियम अगर नहीं होता है तो जो ग्रोइंग उनकी जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसके कारण बच्चे को भी कैल्शियम की डिमांड बढ़ती है। इवन हाँ, जो वुमेंस होती हैं उनकी बॉडी में भी कैल्शियम की काफ़ी डिमांड होती है उस समय पर, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं या विटामिन डी उनको शरीर में प्रोवाइड नहीं होता प्रॉपर से, तो जिसके कारण डेफिशिएंसी हो सकती है। इवन प्रेगनेंसी के बाद भी जो है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे नी पेन होना या बल्जिंग डिस्क का जो है बल्जिंग हो जाना, या फिर हाथ पैर में कहीं भी कैल्शियम की कमी से स्पर निकलने लगना, यानी हड्डियां वीक होने के संकेत मिलते हैं। तीसरा एज फैक्टर होता है महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज, जब मेनोपॉज होती है यानी मेंसेस ख़त्म होते हैं, तो उस कंडीशन में महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि आपकी प्रॉपर बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपके शरीर में प्रॉपर से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इवन कैल्शियम की कमी होने लगती है मेनोपॉजल स्टेज में, जिसके कारण महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छेद होने लगते हैं, हड्डियाँ फ्रेजाइल होकर टूटने लगती हैं, उनमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेल में भी आफ्टर 50 ईयर जनरली जो है हड्डियों की डेंसिटी कम होती जाती है एज के साथ साथ, और उनमें साथ में जो मेटाबॉलिज्म है कैल्शियम का वो भी प्रॉपर नहीं होता एज फैक्टर के कारण, जिसके कारण ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी आफ्टर 45 ईयर फीमेल में मेनोपॉज के बाद और मेल में 50 ईयर्स के बाद देखी जाती है बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। अगर आपने अपना डायग्नोसिस कराया है जिसमें कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है, साथ साथ अगर आपको विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, तो आप होम्योपैथी में कुछ खास मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ, जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है SBL कंपनी की होम्योकैल। इस मेडिसिन को आपको
इस्तेमाल करने के पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। इसमें चार मेडिसिन के कंपोजिशन है। सबसे पहला जो कंपोजिशन है वो कैल्केरिया फॉस है। कैल्केरिया फॉस यानी इसमें नेचुरल कैल्शियम और फॉस्फोरस है, जो कि आपकी बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी कैल्शियम डेफिशियंसी को कम करता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ये कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इवन जो ग्रोइंग फेज में जो बच्चे होते हैं उनको अगर लेट डेंटिशन की प्रॉब्लम है तो भी आप होम्योकैल उनको मेडिसिन दे सकते हैं। उनके दांत नहीं निकल रहे हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बच्चे जो हैं वो बचपन में अगर सही से चल फिर नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चों के लिए आप ये गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इसमें जो मेडिसिन है वो है कैल्शियम से बनी होती है, जिसका नाम है कैल्केरिया कार्ब। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को आपके आंतों में बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तीसरी इसमें मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर। दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर इसमें जो मेडिसिन है इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है। ये आपको कहीं भी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हड्डी बढ़ी हुई है, या आपको कहीं भी स्पर की समस्या है, या फिर आपका जो वर्टिब्रा है उसमें बल्जिंग की समस्या हो रही है, तो ये सभी कंडीशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें चौथी जो मेडिसिन है वो है साइलिशिया। साइलिशिया आपकी जो भी डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की उसको करेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। एक न्यूट्रिशनल मेडिसिन की तरह ये रोल प्ले करती है। साइलिशिया ओवरऑल आपके बोन्स को, आपके टीथ की कंडीशन को कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। वाइटमिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी कवर करती है। इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से इसमें जो चार मेडिसिन है इनका अलग अलग रोल है, और ये सभी मेडिसिन आप कंप्लीट जो आपके कैल्शियम की प्रॉब्लम है उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर हम कहें तो जो होम्योकैल टैबलेट है आपके SBL कंपनी की, ये हड्डियों को लोहे जैसे बनाने का काम करती है। आप अगर इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसके रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कि बच्चों से लेकर बड़ों तक इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो बच्चे आपके चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, दांत प्रॉपर नहीं निकल रहे, तो उन बच्चों के लिए भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम एज का है या 1 साल तक की एज का है, तो इसकी आप हाफ टैबलेट को थोड़े से 1 चम्मच पानी में इसको डिज़ोल्व होने दीजिए। उसके बाद आप इस पानी को बच्चे को 1 बार दिन में लाइए। दोपहर या शाम या सुबह किसी भी एक टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो ग्रोइंग फेज के बच्चे होते हैं, जो टीन एजेस में हैं, उनको आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम चूसने के लिए दे सकते हैं। कि जो एडल्ट डोज है, जिनको थोड़ी बहुत बोन में प्रॉब्लम है, उनको 1-1 गोली सुबह शाम लेना है। बाकी जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी है, उनका डायग्नोसिस हो गया है प्रॉपर, तो वो इसकी 2-2 गोली 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसको लगातार 3 से 4 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियाँ एकदम लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। इवन आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी इसमें कवर अप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी मेडिसिन, जिसका नाम है सिम्फाइटम ऑफिनेसिनिलिस 30 पोटेंसी। ये 30 पावर में है मेडिसिन। इसका जनरली है इसका इस्तेमाल, इसको आयुर्वेदिक हड्डी जोड़ के नाम से जाना जाता है, हड्डियों को जोड़ने का काम करने वाली मेडिसिन होती है सिम्फाइटम। अगर आपको कहीं भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, आपको बार बार अगर फ्रैक्चर हो रहा है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो जनरली दोस्तों जो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। जब हम एनिमल्स की हड्डियां आप उनको जब बीच में से तोड़ के देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें जो जालीनुमा स्ट्रक्चर है वो बीच बीच में अगर बहुत घना होता है तो हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, और जालीनुमा स्ट्रक्चर अगर बीच बीच में पोरस हो जाता है, खोखला हो जाता है या कम होने लगता है, तो वो हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, उनमें फ्रैक्चर के चांस बहुत होते हैं। इसी तरह से हमारी जो हड्डियां होती हैं उसमें जितनी जालीदार होगी, जालीनुमा होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उनमें। तो आप इसको हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर हो रहा है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यानी हड्डियों में आपको काफ़ी दर्द होता है, पेनफुल कंडीशन है, इवन आपकी जो वर्टिब्रा है वो भी काफ़ी उसमें कोई बल्जिंग है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इन सब कंडीशन में आप सिम्फाइटम ऑफिसिनिलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप इसको अगर बच्चे को दे रहे हैं तो आप इसको 1/2 कप पानी में 2 ड्रॉप दे सकते हैं।
टीनेजर्स कंडीशन में, छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो वन ड्रॉप आप हाफ कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अडल्ट डोज लेना चाहते हैं तो दो दो बूंद आप जीभ पर डायरेक्ट ले सकते हैं, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम आपको इस्तेमाल करना है। तो इससे आपकी जो हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना है, कैल्शियम डेफिशियंसी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब कवर अप हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल आप एक से दो महीने करिए। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर दो दो बूंद जीभ पर सुबह शाम लेंगे, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।